यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर विरोध लगातार जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इस फिल्म को हरी झंडी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले चार राज्यों ने इस फिल्म पर जब बैन लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को भी खारिज किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन चार राज्यों में इस फिल्म को बैन किया गया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया। हरी झंडी फिल्म को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिखाई गई, लेकिन इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लगातार चुनौती दी जा रही है कड़ी सेना और राजपूत संगठन की ओर से। कड़ी सेना के लोग अब गुंडई पर उतर आए हैं और जगह जगह जाकर तोड़फोड़ की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस फिल्म की रिलीज को लेकर। लेकिन इसके साथ ही इसी बीच में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने का रुख किया और साथ ही एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस फिल्म को बैन करने के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी आज खारिज कर दिया है और एक बार फिर से संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम राज्य सरकारों का है। यहां पर जब एक फिल्म को एक संवैधानिक संस्था की ओर से हरी झंडी दे दी गई है तो फिर राज्य सरकारें इस फिल्म को बैन नहीं कर सकती हैं। यानी कि 25 जनवरी को आप सभी अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म पद्मावत को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज के लिए रास्ता साफ रखा है।